वेलकम टू माई चैनल अगेन डे ड्रीमर दिव्या। थैंक यू मेरे चैनल का पार्ट बनने के लिए। सो आज है सेकेंड डे इन श्रीनगर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो यहाँ पे मैं आप सबको गुड मॉर्निंग विश कर रही हूँ। एक्चुअली मैं वीडियो में बात कर रही थी बट आप मेरा फेस देख ही रहे हो कितना स्वेल हो चुका है। एक्चुअली समझते हो पार्टी हार्ड, वही हुआ था रात को। मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि आज का वेदर बहुत अच्छा है। आज हम जा रहे हैं गुलमर्ग गंडोला राइड के लिए। मैं आपको दिखाऊंगी कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। अभी मैं नहा चुकी हूँ, हम ब्रेकफास्ट करने जाएंगे। एंड स्टे ट्यून विद मी। हाय अमू, हेलो, दिस क्यूट लिटिल बॉय इज सुपर एक्टिव फॉर द गंडोला राइड। ऐसे ही रहना। शेफ की दर्द देती है, क्या खिलाओ शेफ की जैसा। और ये हमारे होटल से डल लेक का व्यू है। मेरा तो खिड़की से अंदर जाने का मन ही नहीं कर रहा था, बस लग रहा था देखती जाऊँ। इट्स सो ब्यूटीफुल। और हम निकल गए हैं गुलमर्ग के लिए और ये लोग मुझे ऐसे देखते, फिर उठा लिया दोनों कैमरा। वी आर गोइंग टू गंडोला राइड। सो जहाँ से गंडोला चलती है हम वहाँ आ गए हैं और बहुत बारिश हो रही है। हमने ये जैकेट ली है बस एक, क्योंकि इससे कपड़े गीले नहीं होंगे। हमने शूज़ नहीं लिए बिकॉज वो बहुत अनकम्फर्टेबल होते हैं। वी आर ऑल्सो रेडी, अंबर इज ऑल्सो रेडी, वी ऑल आर वेटिंग। बहुत लंबी क्यू है यहाँ पर। तो यहाँ आ गई है हमारी केबल कार, हमारी सफारी जो हमें लेके जाएगी फेज वन तक। और इतनी खुशी हो रही है हमें इसमें बैठ के, अभी देखना लड़की की एक्साइटमेंट। कैमरा लेकर आई है, देखो 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 उसे। और यहाँ मैं सुंदर बनने की पूरी 100% कोशिश करी जा रही है भाई। मैं गंडोला के फर्स्ट फेज पे ही रुक गई हूँ क्योंकि यहाँ भी काफ़ी ठंड है। और सेकंड फेज पे मुझे नहीं लगता मुझे अंबर को ले जाना चाहिए, एज इवन गाइडेड सजेस्टेड आज। मैं यहाँ एक रेस्टोरेंट है बहुत अच्छा सा, मैं वहाँ रुक गई हूँ एंड अंबर सो रहा है। वो तीनों गए हैं, भानु विश्रांत और वीरज। तब तक मैं यहाँ वेट करती हूँ। ये गुलमर्ग के फेज़ वन का व्यू है, बहुत ही सुंदर था। मैंने ऐसा व्यू हमेशा सीनरी में देखा है, पिक्चर्स में देखा है, बट मैं लाइव देख रही थी। बहुत ही ब्यूटीफुल स्काई, बहुत ही साफ क्लाउड्स एकदम नीचे तक। इट वाज लाइक ड्रीम, द व्यू वाज ड्रीमी मेस्मराइजिंग एंड आई वाज सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि मैं यहाँ तक आई हूँ। और यहाँ मैं फोर्सफुली वीरज के साथ एक रोमांटिक वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ गाइस। बस 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 गिरी, मैं गिरी। तो हम हैं गंडोला वन में और बहुत सुंदर है। बहुत बारिश आ रही थी पर अब धूप आ गई है तो काफ़ी अच्छा व्यू है। कश्मीर को जन्नत कश्मीर कहते हैं, दैट इज सो ट्रू। इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा सीनरिक व्यू है। मैं बहुत सारे हिल स्टेशन गई हूँ पर यहाँ पे डिफरेंट है, दैट्स सो ट्रू। और ये व्यू को गुड बाय कहना, इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज पता नहीं दोबारा कब आना होगा। बट दिस प्लेस इज़ हेवन, बहुत ही सुंदर था एंड आई वॉज लिटिल इमोशनल। सो वी थॉट चलो मैगी खा लेते हैं फिर थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। सो फाइनली हम आ गए अपने पैसे उड़ाने। इस शॉप पे, ये गुलमर्ग के रास्ते में थी, हमें हमारे ड्राइवर भैया यहाँ लाए थे। और यहाँ पे बहुत सारे कारपेट्स थे और यहाँ पे बहुत सारी हैंडीक्राफ्ट चीज़ें थी, बहुत ही सुंदर थी, बहुत प्रिटी थी एंड बिट एक्सपेंसिव ऑल्सो।
सो हमने यहाँ पर देखी और कुछ कुछ चीज़ें परचेज भी करी, बट सारे आइटम्स बहुत सुंदर थे, बहुत ब्यूटीफुल थे। तो अगर आप कभी कश्मीर आते हैं एंड यू वांट सम डिफरेंट हैंडीक्राफ्ट थिंग्स, सो आप यहाँ पर आकर ले सकते हैं। एंड आई एम बैक टू होटल और फिर से मैं अपना वही काम कर रही हूँ, खिड़की पे चिपक गई हूँ और बाहर डल लेक देख रही हूँ, सो ब्यूटीफुल। सो ये था इस होटल का रूफ टॉप एंड दिस इज़ द नाइट व्यू। बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था, बिल्कुल ऐसे कोजी और पार्टी वाइब्स आ रही थी यहाँ पे, सो वी इंजॉयड। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। गुड नाइट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल एंजॉय माई आइसक्रीम। टेक केयर।